आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशु वर्मा, आप सभी का हमारे कंपटीशन कम्युनिटी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हमारे फास्टैग रिवीजन इनिशिएटिव के अंतर्गत टाइम एंड डिस्टेंस और उसके साथ बोट एंड स्ट्रीम का एक कंबाइंड टॉपिक लाया हूं। टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में हमने ट्रेन के भी क्वेश्चन को ऐड किए हैं। अब देखते हैं ये टॉपिक को, देखते हैं क्या है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक में हमें बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्या पढ़ना है ये देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। पहला जो हमने पाया है कि ये क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन जो होता है स्पीड का, वो पूछा जा रहा है, या तो फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन, ये सीखेंगे सबसे पहले। उसके बाद औसत चाल पे क्वेश्चन, जिसे एवरेज स्पीड कहते हैं, उस पे भी क्वेश्चन आ रहा है। औसत चाल पे जो क्वेश्चन आता है वो दो तरीके का होता है। एक में दूरी नहीं दी होती है और कहा जाता है कि दो अलग अलग स्पीड से वाहन या फिर व्यक्ति जा रहा है, वो कितना उसका औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड होगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसमें दूरी दी गई होगी, इस तरीके का क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है डेस्टिनेशन पॉइंट, गंतव्य स्थान तक पहुँचने वाला। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक स्पीड से देरी हो जाती है, कुछ मिनट की देरी हो जाती है और दूसरे स्पीड से जल्दी हो जाती है। तो हमें बताना ये होता है कि जो गंतव्य स्थान है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूरी कितनी है। इस तरीके का ये तीन क्वेश्चन तो आ ही रहा है। इसके साथ साथ एक जो और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि रिलेटेड स्पीड पे क्वेश्चन आ रहा है। रिलेटेड स्पीड में होता ये है कि दो अलग अलग स्पीड से अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उसका रिलेटेड स्पीड क्या होगा, और दो अलग अलग स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है उसका रिलेटेड स्पीड क्या होगा, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। हम अब क्वेश्चंस देखेंगे और हमारे डाउट्स क्वेश्चन देखने के बाद ही सॉल्व होंगे। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, हम बचपन से ये कन्वर्जन देखते आ रहे हैं कि हम अगर 1000 से यहाँ गुणा कर दें और 3600 से यहाँ डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि कुछ सेकंड हमारे वेस्ट होंगे। अगर हम ये चीज़ समझ जाएं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, जब आप एक वैल्यू निकालिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। आप कैंसिल करके देख सकते हैं। और इसको याद करने का एक तरीका और है कि बड़े यूनिट के साथ बड़ा नंबर, छोटे यूनिट के साथ छोटा नंबर। अब और एक तरीका, ये 18 नंबर जो होता है वो एज होता है जब हम वोटिंग करते हैं, ये 5 साल वो एज होता है जब बच्चा स्कूल जाता है। इस तरीके से आप ये रिलेशन बस समझ जाइए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अब इस प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। 18 का ये कितना गुना होता है, ये होता है 6 गुना। अगर ये 6 गुना होता है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा और आपको उत्तर मिल जाएगा कितना, 30 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी को जाता है, वो आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है, कुल यात्रा की औसत चाल क्या है। देखिए, इस प्रश्न में क्या है कि दूरी नहीं बताई गई है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, यहाँ से ये व्यक्ति आगे बढ़ा और यहाँ तक ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मतलब आधी दूरी तक ये पहुँच गया। यहाँ से ये व्यक्ति अब नीचे की ओर उतर रहा है और इतनी ही दूरी, जिस तरह से आधी दूरी कहा गया था, इतनी ही दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अब मूव कर रहा है। अब आपको बताना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या है। देखिए, मान लीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों तो इक्वल है। अगर हम ये मान लें कि ये दोनों स्पीड का एलसीएम 350 किलोमीटर होता है और ये मान लें कि 350 किलोमीटर दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की है, तो हम ये देख लेते हैं कि हमें टाइम कितना लग रहा है। देखिए, 50 की स्पीड से 350 मूव करेगा, 350 किलोमीटर जाएगा, तो उसे 7 घंटे लग जाएंगे। और 70 की स्पीड से ये 350 किलोमीटर वापस आएगा तो इसे 5 घंटे लग जाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जिसे कहते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। अभी देखिए, कुल दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक जाने में 350, वापस आने में 350, मतलब 700 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा, 7 घंटा इसको लगा, 5 घंटा इसको लगा, मतलब 7 प्लस 5 12।
अब कुल मिला के इसका जो एवरेज स्पीड हो चुका है वो हो चुका है 700/12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 6 से ही करना पड़ेगा, 6 × 5 = 30। उसके बाद 35 50 50 ऑप्शन में तो कोई भी डेसिमल का है नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन 6 × 5 = 30, 5 in hand 5 0 50, 6 × 8 = 48, 2 in hand डेसिमल लगाए 20 हुआ, 6 × 3 = 18, कुछ इस तरीके का किलोमीटर पर आवर आएगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जब भी कॉमन डिस्टेंस क्वेश्चन हो, कॉमन डिस्टेंस समान दूरी, समान दूरी, इसमें हम करेंगे क्या, अगर स्पीड 2 हो तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगी, ये देखिए 2s1s2/s1+s2। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। बाय द वे अगर स्पीड 3 हो और डिस्टेंस तीनों बराबर इक्वली कवर कर रहे हो तो क्या होगा, ये देखिए जब 3 अलग अलग स्पीड हो, s1 s2 s3, 3 अलग अलग स्पीड, आपसे पूछा जाए ये एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप 3 s1 s2 s3 ऊपर में न्यूमरेटर में लिखिएगा अंश की जगह पे, और हर के जगह पे लिखिएगा s1 s2 + s2 s3 + s3 s1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 3 अलग अलग स्पीड हो तो ये फॉर्मूला, 2 अलग अलग स्पीड हुआ तो ये फॉर्मूला, और इस ये कब लगेगा, जब दूरी समान होगी, कॉमन डिस्टेंस होगा। तो चौथा चाल पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, पूरी चाल में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न में भी दूरी नहीं बताई गई है, तो हम वो फॉर्मूला इजीली हम यूज़ कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर दूरी बताई गई होगी, जो मैंने पहला टेक्निक बताया, आप उसको यूज़ कीजिए। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, 2s1 s2/s1+s2 को के वैल्यू को पुट कर दीजिए। s1 के जगह पे कितना किलोमीटर कहा गया है, 72, और s2 की जगह 48, बस वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 × 72 × 48 / 72 + 48। इसको ऐड कीजिए, 72 + 48 कितना होगा, 70 + 40 = 110 होता है, 2 और 8 को ऐड कीजिएगा तो 10 होता है, मतलब 120 हो जाएगा, इतना पोर्शन 120 हो जाएगा। हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड बहुत इजी है, 2 × 72 × 48 / 120। देखिए 12 × 10 = 120 होता है, 12 × 10 = 120। देखिए आगे देखिए, 12 × 4 = 48, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 4 बज गया है, 72 बज गया, या 5 बज गया, 72 × 4 कीजिए, 70 × 4 कितना होता है, 280 होता है, 2 × 4 की जगह तो 8 होगा, 288 / 5 कीजिए आप, 5 × 5 = 25, 3 × 9 = 38, 5 × 7 = 35, फिर 3 in hand डेसिमल लगाए 30 बन जाएगा, 5 × 6 = 30, तो 57.6 किलोमीटर पर आवर ये आंसर होगा। प्रश्न देखते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने घर से अपने स्कूल समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तद अनुसार उस छात्र के घर तथा स्कूल के बीच दूरी कितनी है। ये देरी और जल्दी वाला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप देखिए, आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो ये इस प्रकार से है। सबसे पहले s1 × s2 कीजिएगा, 2 ही स्पीड होंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देरी जल्दी पूछा गया है या फिर कुछ भी पूछा गया, आप यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस किए तो 2 टाइम माइनस हुआ, देरी और जल्दी वाला। अब उसके बाद अगर ये मिनट में है, घंटे में नहीं है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब आइए डिनोमिनेटर में आइए, अगर यहाँ माइनस हुआ है तो यहाँ भी आपको माइनस करना है, बड़ी बड़ी गति से छोटी गति को। अगर यहाँ पे
कुल समय दिया होता तो यहाँ पे प्लस आता और यहाँ भी प्लस आता। सबसे पहले आप S1 S2 लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जो कुल दूरी ना दे के अंतर दिया है देरी जल्दी का, तो यहाँ पे आप T1 माइनस T2 लिख लीजिए। और जैसे आप यहाँ पे माइनस यूज़ कीजिएगा, यहाँ भी माइनस यूज़ कीजिएगा। ये फॉर्मूला है, ये 60 इसलिए क्योंकि यहाँ मिनट का उपयोग हुआ, अगर आवर का उपयोग है तो आप यहाँ पे 60 नहीं लगाइएगा। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिएगा इस फॉर्मूला में, 5 × 3 कीजिएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 माइनस माइनस ऑफ 9, 15 माइनस माइनस ऑफ 9, नीचे देखिए 5 और 3 को घटाइए 2 हो जाएगा, और यहाँ गुणा में नीचे डिनोमिनेटर में 60 रहेगा, 15 चौक 60 हो गया है, 2 × 4 8 हो जाएगा। अब 15 माइनस माइनस ऑफ 9 कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, और बटे में 8 रहेगा। जब आप कैंसिल कीजिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उत्तर होगा। दोस्तों इस पैटर्न में एक और प्रश्न देखेंगे जल्दी से। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 15 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली तो अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान हो गया प्रश्न, अब T1 माइनस T2 है, दो अलग स्पीड है, S1 × S2, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, मिनट में दिया है कि घंटे में दिया है, मिनट में दिया है, डिवाइडेड बाय 60, और ये निकल गया अपना डिस्टेंस। देखिए वैल्यू पुट करेंगे इजीली, 50 और 60 S1 की जगह, 60 S2 की जगह, और T1 की जगह पे क्या है, कितना मिनट इसने जल्दी पहुँचा पहले देखेंगे, 25 मिनट, और देरी से जो पहुँचा वो कितना है, माइनस 15 मिनट। ध्यान दीजिएगा आराम से, 50 × 60 3000, 5 × 6 30 और 2 0 3000, 60 से 50 को घटाइए 10 आ गया, है ना, आराम से। ये 25 है, 25 माइनस माइनस ऑफ 15, मतलब कुल मिला के ये जुड़ जाएगा और 40 हो जाएगा, मिनट में दिया है डिवाइडेड बाय 60। अब हमें दूरी मिल जाएगी, शून्य काटे, शून्य से एक, शून्य से एक और शून्य, 6 × 6 6 × 5 30, 5 × 40 हो गया 200 किलोमीटर, और आगे हमारा उत्तर। तो एक और पैटर्न का क्वेश्चन है, ये अलग पैटर्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 कारों की चाल 3:4:5 है, उनके द्वारा तय की गई दूरी में लगे समय का अनुपात क्या होगा। चाल और समय, चाल और समय जो होता है एक दूसरे के कैसे अपोजिट मतलब इनवर्स रिलेशन रखता है, ये बताते हैं। जब हम अपनी गाड़ी का चाल बढ़ा देते हैं तो दूरी तय करने में समय कम लगता है, और चाल अगर धीमी हो तो समय ज़्यादा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच उल्टा नाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे चाल, 3 चाल दी गई है, 3:4:5, अब समय कितना लगेगा। अब इसको ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि 5 4 3, इस तरीके से नहीं, इसका जो है रेसिप्रोकल निकाला जाता है, इसका इन्वर्स निकाला जाता है, ये होता है कुछ इस तरीके का। अब इसका एलसीएम लिया जाता है, 3 4 5 का कितना एलसीएम होगा, कितना होगा, 60 होगा एलसीएम। 60 से 3 को डिवाइड कीजिए 20, 60 से 4 को डिवाइड कीजिए 15, 60 से 5 को डिवाइड कीजिए 12। अब ये 20, 15 और 12 जो हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा समय का, समय का अनुपात हो जाएगा 20, 15 और 12। अब इसको और फर्दर डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ये 3 स्टेप बचाना है तो हमारे पास एक और तरीका है। देखिए समय को मैं ऊपर लिख देता हूँ, कैसे हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। जब 3 का निकालना है तो ये दोनों को गुणा किए 20 आ गया, जब 4 का निकालना है तो ये दोनों को गुणा किए 15 आ गया, और जब 5 की बारी आई तो ये दोनों को गुणा किए और 12 आ गया। ये हो गया हमारा समय का अनुपात एक स्टेप में। इस प्रश्न को मान लीजिए यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हुई है, और ध्वनि तो हर तरफ प्रोपोगेट करेगी। यहाँ पे इस व्यक्ति को 5 सेकंड के बाद ध्वनि सुनाई दी, यहाँ से 5 सेकंड, और यहाँ पे खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड के बाद, ठीक है। अभी आगे देखिएगा, जो प्रश्न में कहा गया है कि 300 मीटर प्रति सेकंड के दर से ध्वनि तरंग दूरी तय करता है। अभी आप बताइए, जब हम गाड़ी चलाते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसका मतलब तो यही होता है 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, या 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर 300 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दूरी तय करना हो तो मतलब 1 सेकंड में 300 मीटर ध्वनि
अपनी दूरी तय कर लेता होगा। अब एक मीटर में 300 मीटर दूरी तय करता है, इसका मतलब यहाँ जो ध्वनि उत्पन्न हुई है यहाँ तक इसको जाने में 5 सेकंड तक जाने में 5 × 300 मीटर दूरी ये तय कर चुका होगा, 1500 मीटर दूर ये खड़ा होगा 5 सेकंड बाद ध्वनि यहाँ तक पहुँची है। तो अगर छठे सेकंड में मतलब और दूरी तय कर रही है 1 सेकंड में 300 मीटर, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय कितना दूरी तय किया होगा 300 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1500 मीटर, ये 300 मीटर। अभी देखिए अब ये कह रहा है कि उन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी कितनी है। ये 5 सेकंड वाला और 6 सेकंड वाला अगर एक ही लाइन में खड़ा हो तो इनके बीच में न्यूनतम दूरी हमें मिल जा रही है वो 300 मीटर है, ये मिल जा रही है ऑप्शन डी 0.3 किलोमीटर तक, यहाँ तक हम सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन अधिकतम दूरी कितनी होगी, अधिकतम दूरी का मतलब ये है कि ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो एक व्यक्ति एक साइड और एक व्यक्ति अगर दूसरे साइड खड़ा हो कुछ इस तरीके से तो हमें अधिकतम दूरी भी मिल जाएगी। ये 5 सेकंड बाद यहाँ और 6 सेकंड बाद यहाँ, 6 सेकंड कवर करने में कितना लगेगा 6 × 300 और 5 सेकंड 5 × 300, ये हो जाएगा 1500 मीटर, ये हो जाएगा 1800 मीटर। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3300 मीटर और किलोमीटर में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 3.3 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक बस ए से बी की ओर 6 बजे सुबह में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया तथा दूसरी बस बी से ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 बजे सुबह में चलना शुरू किया। यदि ए से बी तक की दूरी 450 किलोमीटर है तो दोनों ही बसें एक दूसरे से कितने समय मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो बस है ये ए से बी की ओर ट्रैवल कर रही है। सिमिलरली एक बस और है जो बी से ए की ओर ट्रैवल कर रही है। एक बात बताइए, जब ये विपरीत दिशा में ट्रैवल कर रही है, ये S1 स्पीड से, ये S2 स्पीड से, तो इनको एक दूसरे से मिलने में टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि ये जल्दी मिलेंगे। ये इसके क्लोज आ रही है, ये इसके क्लोज आ रही है, इसका मतलब ये है कि टाइम कम होगा। इसका मतलब ये है कि इनका जो रिलेटेड स्पीड है, जो रिलेटेड स्पीड है इनका, ये क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रश्न कुछ इस तरह होता कि ये जो है इस दिशा में जा रही है और सिमिलरली ये भी इस दिशा में जा रही है, तो समय अगर ये ज़्यादा स्पीड रखती है इसके तुलना में तो इसको कवर करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। और इनका जो स्पीड होगा ये कम होगा और समय इनको मिलने में ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाता। जब एक दिशा में मूव करे तो माइनस, जब अपोजिट दिशा में मूव करे तो प्लस। ए से बी तक की दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर। ए कितना बजे स्टार्ट हुआ, 6 बजे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टाइम है वो इक्वल होना चाहिए। वो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, बी से 8 बजे स्टार्ट होगा ये वाला बस, 8 बजे स्टार्ट होगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसे 8 बजे ये कहाँ पहुँच रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटा में 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 8 बजते बजते ये 120 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा, बस यहाँ पहुँच गई होगी, ये 120 किलोमीटर हो जाएगा। और ये जो 450 कुल मिला के है, ये इतना डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 330 किलोमीटर बच जाएगा। और उसके बाद जब गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है 8 बजे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, अब ये दोनों एक साथ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी और इनका जो स्पीड है, रिलेटेड स्पीड है, वो जुड़ जाएगा। अब ये कुल मिला के एक दूसरे के क्लोज आ रही है तो जल्दी आएगी और ये स्पीड जुड़ जाएगा, 60 और 50 को जोड़ देंगे तो 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रैवल करेगी। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 110 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या होगा कि डिस्टेंस कितना, 330 किलोमीटर है। अगर ये एक घंटे में 110 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो 330 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको कितना घंटा लग जाएगा, यहाँ गुणा तीन, तो यहाँ गुणा तीन, 3 घंटा लग जाएगा। 8 बजे सुबह से 3 घंटे बाद, मतलब कितना बजे, 11 बजे, मतलब यहाँ पे 11 बजे ये दोनों मिलेंगे। और इसके बाद ये 3 घंटे के बाद 180 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी होगी और ये
50 दिया, 150 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। अब इसमें से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, पूछ सकता है कि ए ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो 120 और 180 को जोड़ दीजिए, ये हो जाता है कि 300। अभी प्रश्न यही पूछा था कि कितने समय मिलेगी, तो समय हमें मिल गया है। और भी प्रश्न में कुछ भी वैरायटी आ सकती है, आप इसको समझिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। कार आगे आगे मूव कर रही है और उसके पीछे कौन है, उसके पीछे जीप है। देखिए कार का जो स्पीड है वो कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जीप का स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बात बताया गया है कि ये 5 किलोमीटर आगे है, ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है, कार है 5 किलोमीटर आगे जीप से। बताना ये है कि जीप कार को कितने देर के बाद ओवरटेक कर लेगी। अब देखिए रिलेटेड स्पीड के हिसाब से, जब रिलेटेड स्पीड में डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड जो होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे जो रिलेटेड स्पीड है वो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। रिलेटेड स्पीड का मतलब ये है कि दो अलग अलग स्पीड बताई गई है, जब दोनों एक ही दिशा में हो तो माइनस हो जाता है, अलग अलग दिशा में हो तो प्लस हो जाता है। क्योंकि माइनस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्पीड कम हो जाता है, एक ही दिशा में है इस, ये इसको यहाँ से ओवरटेक करना चाहता है और ये इसी दिशा में जा रहा है, तो ज़रूर समय ज़्यादा लगेगा और जो स्पीड है वो कम होगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये रिलेटेड स्पीड होगी और इसे 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। एक घंटा में ये 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल कितना करना है, 5 किलोमीटर। 5 क्या होता है, 1/3 होता है, इसका भी आप 1/3 निकाल लीजिए, तो कुल मिला के 1/3 घंटा होगा। एक घंटा का तीसरा भाग कितना मिनट होगा, 60 मिनट डिवाइडेड बाय 3 मतलब 20 मिनट, 20 मिनट होगा। इस प्रश्न में आपको करना क्या है, एक बस जो एक घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल करती थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो एक घंटे में कितना ट्रैवल कर रही है, 60 किलोमीटर। तो कुल मिला के एक घंटे में 20 किलोमीटर की गिरावट आई है दूरी में। अब 20 किलोमीटर की गिरावट आई है, गिरावट आने का जो दर है वो बताना है। दर निकालने के लिए आपको आधार जो स्पीड था इसका 80 किलोमीटर पर आवर का, इस आधार पे निकालना होगा कि गिरावट कितना आया। तो 80 किलोमीटर पर आवर हम यहाँ लिख दिए हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आवर, एक घंटा का ये चौथा भाग निकलेगा। एक घंटा का चौथा भाग मतलब मान लीजिए एक घंटा है तो 15 मिनट का चार भाग होगा, तो ये चौथा भाग मतलब 15 मिनट जो होगा उत्तर होगा। ट्रेन का क्वेश्चन देखेंगे। 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म है 120 मीटर का और ट्रेन को इसको क्रॉस करना है। ये ट्रेन है, ट्रेन का इंजन है ये, और ये ट्रेन का लेंथ है। ट्रेन का लेंथ कितना बताया, 260 मीटर बताया। अगर इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो इसका मतलब तो यही है कि जब ट्रेन का इंजन एंटर करेगा, एंटर करने के बाद जब यहाँ से एग्ज़िट करेगा, और एग्ज़िट करने के बाद ये जो ट्रेन का बॉगी लास्ट बॉगी है ये कुछ इस तरीके से जब बाहर निकलेगा तब जाके ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस होगी। तो इसका मतलब तो ये है कि ये 120 मीटर और ट्रेन धीरे 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 करके ये अपना भी लेंथ क्रॉस होगी जो कुल मिला के 260 मीटर है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म और ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाएगा जो कि है 380 मीटर, और इस 380 मीटर को ट्रैवल करने में कितना समय लगा, 19 सेकंड लगा। तो मीटर पर सेकंड में इसका क्या आ जाएगा स्पीड, 380 डिवाइडेड बाय 19 मीटर पर सेकंड जो होगा 20 मीटर पर सेकंड। और ऑप्शंस में जो किलोमीटर पर आवर दिया है उसको देखते हैं, मैंने बताया था आपको 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। अगर ये 20 है तो 5×4 20 होगा, उसी प्रकार से 18×4 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। कि ये रेलगाड़ी जा रही है इस दिशा में, इसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है,
आप पटरियों के समानांतर पैरेलल में एक व्यक्ति जा रहा है जिसका स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को पार करने में, रेलगाड़ी अगर व्यक्ति को पार करेगा तो ये इंजन क्रॉस होगा, फिर उसके बाद आधा पोर्शन क्रॉस होगा, फिर उसके बाद जाके ये पूरा बॉडी क्रॉस होगा। तो कुल मिला के एक व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन को अपना खुद का लेंथ क्रॉस करना पड़ता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो टाइम लग रहा है इस व्यक्ति को क्रॉस करने में वो लग रहा है 48 सेकंड। और दो स्पीड दी गई है, एक 40 की एक 15 की, और दोनों की दिशा जो है समान है। तो इसका मतलब है जो रिलेटेड स्पीड आएगा ये इनका सब्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा, इनको माइनस करने के बाद आएगा, जो कि कितना होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर रिलेटेड स्पीड हो जाएगा इनका। अब ये बताना है कि ये 48 सेकंड में जो क्रॉस कर रहा है तो 48 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है। जो भी दूरी तय करेगी वही ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि व्यक्तियों को क्रॉस करने में, कोई भी व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन को अपनी लंबाई को क्रॉस करना पड़ता है। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, देखिए 25 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर छोटा होता है तो 5/18 से इसको गुणा कर दीजिए और इस किलोमीटर पर आवर को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, कितना आया, 125 मीटर / 18 सेकंड। इसका मतलब ये है कि 18 सेकंड में 125 मीटर ट्रेन ट्रैवल करेगा, लेकिन 48 सेकंड में कितना करेगा ये बताना है। तो एक सेकंड का आप निकाल लीजिए, 125 / 18, और 48 का आप निकालिएगा तो 125 / 18 × 48, 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2 से नहीं 3 से कर दीजिए, 8 × 1 = 9, 8 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। अब 2 से कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 8 = 125, 100 × 8 कितना होता है, 800 होता है, 25 × 8 कितना होगा, 200 होगा, 800 और 200 जोड़िएगा तो कितना होगा, 1000 होगा, 1000 / 3 मीटर ये 48 सेकंड में ट्रैवल करता है, और वो जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है जो ट्रेन का लेंथ है। देखते हैं, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति विपरीत दिशा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। रेलगाड़ी की जो स्पीड है S1 कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर, और जो ये व्यक्ति है विपरीत दिशा में आ रहा है S2 कितना है, व्यक्ति का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। रिलेटेड स्पीड कितना होगा, ये दोनों का सम कर लीजिए क्योंकि दिशा विपरीत है, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आप समझ गए। अब कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को क्रॉस करने में 18 सेकंड लगेगा। ट्रेन कभी भी किसी व्यक्ति को क्रॉस करता है इसका मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस करता है। जब 18 सेकंड क्रॉस करने में लगेगा, टाइम बता रहा है 18 सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 50 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप गुणा कर दीजिए, अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 250/18 मीटर पर सेकंड हो गया। अब बताना है कि डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी तय कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम कीजिएगा तो 250/18 × 18, मतलब 250 मीटर की दूरी तय करेगा। ट्रेन की लंबाई भी उतनी होगी क्योंकि वो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है 250 मीटर। बोटन स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहले बोटन स्ट्रीम होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोटन स्ट्रीम का मतलब नाव और धारा। ये नाव है मान लीजिए, अगर जल शांत है, शांत जल है तो ये अपने खुद की गति से ये मूव करेगी, जो भी नाव का गति होगा उस गति से मूव करेगी। जब जो ये धारा है ये इस ओर जा, इसकी गति इस ओर है और नाव की गति भी इस ओर है, तो ये दोनों की गति क्या होगी, जुड़ जाएगी, और इस सिचुएशन को कहेंगे डाउनस्ट्रीम और हिंदी में अनुप्रवाह। अनुप्रवाह अनुकूल सिचुएशन मतलब अनु। अब इसके साथ ये देखिए कि ये नाव इस डायरेक्शन में मूव तो कर रही है लेकिन धारा जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या होगा, ये जो गति है ये आपस में घट जाएगी,
माइनस हो जाएगी और इस सिचुएशन को कहेंगे अपस्ट्रीम। यानी देखते हैं, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगी। देखिए अनुप्रवाह क्या सिचुएशन है, नाव की चाल और धारा की चाल समान हो, और नाव की चाल यहाँ पे कितना बताया गया है 15 और धारा की 3, तो जुड़ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखते हैं, एक नाव अनुप्रवाह में 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए नाव अनुप्रवाह सिचुएशन है, मतलब नाव इस तरफ मूव कर रही है और धारा भी उसी तरफ, और कहा जा रहा है क्या 3 घंटे में 18 किलोमीटर, 3 घंटे में 18 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जा रही है। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे में, आगे प्रश्न में ये कहा जा रहा है शांत जल में नाव का कितना है गति 5 किलोमीटर पर आवर, तो इस सिचुएशन के बाद ये बताने के बाद आप बता पाएंगे कि यहाँ पे जो धारा का गति होगा वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखते हैं, एक नाव की अनुप्रवाह में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए से बी तक अनुप्रवाह में जाने तथा बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह में आने में नाव की औसत गति क्या होगी। देखिए अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह वो सिचुएशन है जो जिस सिचुएशन में नाव के साथ जो है धारा की भी गति समान जा रही है, तो उस सिचुएशन में स्पीड 30 है और जो अपोजिट सिचुएशन है नाव इस तरफ और धारा इस तरफ तो 20 है, तो इसको जैसे हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अलग अलग गति मान के चलते हैं, दूरी जो है समान है ए से बी तक और बी से ए तक, मतलब दूरी समान होगी, तो हम यहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये अनुप्रवाह का सिचुएशन और ये ऊर्ध्व प्रवाह का सिचुएशन। वैल्यू पुट करते हैं, जो अनुप्रवाह का सिचुएशन है वो 30 है यहां पे S1 का वैल्यू और S2 का वैल्यू 20 है, और ये दोनों सिचुएशन में S1 30 और S2 20 को ऐड कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। अब इसके बाद जब सॉल्व कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 जब 4 और 4 इंटू 30 120 बाई 5, तो इसका मतलब ये है कि 24 किलोमीटर जो है एवरेज स्पीड आ जा रही है। पूछा क्या था, औसत चाल पूछा था, औसत चाल हमारे पास आ गई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नाव कुल 10 घंटे में अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 40 किलोमीटर जाती है तथा कुल 12 घंटे में अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 50 किलोमीटर जाती है, शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक्स नाव की गति है और ये अनुप्रवाह का सिचुएशन है और ये वाई जो है वो धारा की गति है, इस गति में जो कितना दूरी तय कर रहा है 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है वो नाव, और इसके बाद 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में, मतलब नाव की गति माइनस धारा की गति दूरी तय कर रहा है और समय लग जा रहा है कुल मिला के 10 आवर्स कहिए या 10 घंटा कहिए। ये डी डिवाइडेड बाय क्या है, स्पीड है, जो एक टाइम का फॉर्म होता है, सिमिलरली ये भी वही है ना, इस तरीके से इसको सेट करना है पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरे पार्ट में क्या है, जो 30 किलोमीटर फिर से अनुप्रवाह सिचुएशन है एक्स प्लस वाई की है, उसके बाद ऊर्ध्व प्रवाह में 50 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई की है, और इसमें टाइम कितना लग जा रहा है कुल मिला के 12 घंटा लग जा रहा है। यहाँ पर हम ये पाएंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम है, अगर हम माइनस कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, और माइनस करने के कारण यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस हुआ तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये अब बड़ी वैल्यू हो गई है और माइनस के साथ हो गई है, तो जब घटाइएगा तो माइनस 10 नीचे में x माइनस वाई आ जाएगा, ये ऊर्ध्वप्रवाह सिचुएशन में आ गया, और यहाँ घटाइएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस आप कैंसिल कर लीजिए, 2 से 10 को काटिए 5 आ गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, 30x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये x माइनस वाई की जगह 5 लिख दिया, सॉरी यहाँ प्लस है ना, 5 लिख दिया, यहाँ 10 आवर्स लिख दिया, कैंसिल किया तो 8 आएगा, है ना, टाइम के फॉर्म में लिखा था हमने, ये टाइम का फॉर्मूला बनाया था, ये T1 था ये T2 था, T1 इज इक्वल टू D1 बाई S1, T2 इज इक्वल टू D2 बाई S2।
अब 8 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, इस साइड देखें 30 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस करने पे 2 आवर्स, अब 2 से 1 जा 15 जा, तो यहाँ से हम पाएँ कि x प्लस वाई 15 वैल्यू देता है और x माइनस वाई 5 वैल्यू दिया था। अब निकालना क्या था हम लोग को नाव की गति निकालनी थी, ये नाव की गति हमने माना था, नाव की गति और उसको धारा की गति माना था। अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो ये तो 2x हो जाएगा और ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले क्या किए, ऐसे क्वेश्चंस में जो एक साइड आवर दिया रहता है उस दोनों साइड को टाइम के फॉर्म में कर दिए, डी बाई एस के फॉर्म में। यहाँ पे अनुप्रवाह का सिचुएशन, अनुप्रवाह का स्पीड या ऊर्ध्वप्रवाह का स्पीड आगे सॉल्व किए, ये वैल्यू सेम मिलती है तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद माइनस करने पे हमें एक्स माइनस वाई का वैल्यू कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको यहाँ पे पुट किए तो ये 10 की उस तरफ गया था, 2 घंटा हुआ, 2 से 30 को काटे 15, 2 से 30 को काटे थे तो 15 हुआ था, x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ गई थी, 15 आ गई थी, एक 5 वैल्यू एक 15 वैल्यू जोड़े तो 20 आ गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2x हो गया, x की वैल्यू 10 आ गई, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर आंसर। इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।